My name is Poonam Swami and I am from Delhi. My journey has been very tough from childhood. But मैं कभी भी डरी नहीं हूँ और मैंने कभी भी अपने आप को उस चीज़ के लिए परेशान नहीं किया. मैं 10 इयर्स की थी जब मेरी मदर की डेथ हो गई एंड देन उसके बाद जब 17 इयर्स की थी तो मेरी मैरिज कर दी गई, जिस दौरान मैं बॉम्बे में जाकर अपना ऑडिशन क्लियर करके आई थी सिंगिंग का. लेकिन मेरे फादर ने उस टाइम मुझे सपोर्ट नहीं किया, बट समहाउ 17 इयर्स पे मेरे से गन पॉइंट पर शादी हुई मेरी. और उसके बाद जब मैं 20 इयर्स की थी मेरा बेटा हुआ और 30 इयर्स की थी तो बेटी हुई. और उसके बाद 38 इयर्स में मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई. उन्होंने सुसाइड कर लिया क्योंकि सरकम चांसेस कुछ ऐसे हुए कि बिजनेस में लॉसेस हुए और वो डिप्रेशन में चले गए. पर मैंने उसके बाद हार नहीं मानी बिल्कुल भी. 5-6 महीने मेरे को लगा मैं बेड रिडन हो गई कि मैं क्या करूं, कैसे बच्चों को पालूं, और मैं टिपिकल हाउसवाइफ थी. लेकिन उसके बाद मैंने अपने आप को हिम्मत दी और मैंने कहा कि भाई मेरे बच्चों को कुछ हुआ तो मेरे बच्चों को कौन देखेगा. तो मैंने हिम्मत की, मैंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट करी. पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद मैंने अपनी कंपनी स्टार्ट करी. मैं जिसमें पहले ITC मौर्या में मैं जॉब वर्क का काम करती थी जिसमें हम स्टिचिंग वर्क प्रोवाइड करते थे. और उसके बाद मैंने साथ साथ ब्यूटिशन का कोर्स भी कंप्लीट किया ब्लॉसम गोचर के यहाँ से. एंड देन इन बिटवीन मेरा एक्सपोर्ट लाइसेंस भी आ गया और मैंने बहुत हिम्मत रख के अपना पहला ऑर्डर लंदन का कंप्लीट किया. वहाँ एक रेस्टोरेंट है ढाबा चिकन करी एंड स्पाइसेस, उनके यूनिफॉर्म्स और उनका सब कुछ मैंने कंप्लीट किया. उसके बाद मैंने कनाडा का ऑर्डर लिया और ग्रेजुअली मैं हिम्मत रखती रही और मैं आगे बढ़ती चली गई. मैंने ज़िंदगी में पीछे मुड़ के नहीं देखा और आज अपनी हिम्मत की वजह से और मैं अपने आप में बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मैं एक औरत हूँ. मैं इस टाइम दिल्ली की एंटी करप्शन वुमेन सेल की प्रेसिडेंट हूँ. और अभी कुछ दिन पहले ही मैंने एक विडो लेडी को बहुत हरासमेंट से बचाया है. और जहाँ भी मेरी ज़रूरत लगती है मैं बहुत आउटवर्ड हूँ, आउटस्पोकन हूँ. और मैं बाहर जाके विडो लेडीज़ हो गई या ओल्ड एज लेडीज़ हो गई या कहीं भी अगर मुझे लगता है गलत है तो मैं अपनी आवाज़ निकालती हूँ और मैं बोलती हूँ. मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मैं एक औरत हूँ और मैं मेरे को किसी भी तरीके से औरत होने पे कोई शर्म नहीं है.